गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग अगेन। आज फिर से हम सीखेंगे कि हम एक बेहतर लीडरशिप की और किस हिसाब से जा सकते हैं, हाउ कैन वी बिकम अ वेरी गुड लीडर, अ गुड फैमिली हेड, एक परिवार का अगुआ कैसे बन सकते हैं, एक अच्छा पिता कैसे बन सकते हैं, एक अच्छा बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं, एक अच्छा चर्च लीडर कैसे बन सकते हैं, एक अच्छा धार्मिक अगुवा कैसे बन सकते हैं, एनीथिंग दैट रिलेट्स टू लीडरशिप, कुछ भी बात जो लीडरशिप से सीधा का सीधा ताल्लुकात करती हो, हम लीडर कैसे बन सकते हैं। एवरीवन वांट्स टू बी अ लीडर, हर एक को लीडर बनना है, लेकिन लीडर बनना आसान नहीं है, क्योंकि जब हम लीडर बनते हैं तो हमें याद रखना है, और ये चार बात है कि एक लीडर जो है वो दूसरों पे फोकस करता है। पहली बात, वो अपने आप को बनाता है, अपने आप को बनाता है, परंतु वो दूसरों को फोकस करता है, वो दूसरों की उन्नति के बारे में सोचता है, वो दूसरों का भलाई करने के बारे में सोचता है। जो लीडर खुद के विषय में सोच रहा है, तो दोस्तों जानिए, मान लीजिए कि वो एक अच्छा लीडर नहीं है, केवल अपने ही बारे में वो सोचता है, अपने को ही कैसे बड़ा करे, अपने को ही कैसे फ्लैट करे, एवरी टाइम ही इज कंसंट्रेटेड ऑन मेकिंग हिमसेल्फ, बिल्डिंग हिमसेल्फ, कंस्ट्रक्टिंग हिमसेल्फ, देन ही इज नॉट अ गुड लीडर। इफ यू आर वन ऑफ देम, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट अ गुड लीडर, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑलमोस्ट एवरी टाइम ऑन योर सेल्फ। तो एक अच्छा लीडर जो है वो अपने टीम के ऊपर फोकस करता है, अपने को वर्कर्स के ऊपर फोकस करता है, अपने कंप्लीटली अपने लोगों के ऊपर फोकस करता है, दैट इज अ ट्रू लीडर। एंड द सेकेंड थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक टू यू इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, जब तक हम समझने के लिए जिम्मेवार नहीं होते हैं, लोगों को समझने के लिए कि और हमें जाके पूछना है कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, आपकी सफलता के लिए मैं क्या कर सकूं, आपको ऊंचा औधा में लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यू नीड टू गो टू पीपल्स एंड मेक देम फील दैट यू आर देयर टू असिस्ट देम, यू आर देयर टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट यू आर देयर। उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि आप वहां हैं, आप अपने टीम के साथ हैं, आप अपने टीम के आजू बाजू में खड़े हैं, और जब वो आपको चाहते हैं तो वो आपको पा सकते हैं, ये बात उन्हें महसूस होना चाहिए, और आपको ये बोलना चाहिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। दैट relates to us, that reminds us that there is a necessity of communication. देखिए, जब तक communication नहीं होगा, हम अपने team के साथ बातें नहीं करेंगे, हम अपने team को encourage नहीं करेंगे, हम अपने team के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक कोई भी सफलता नहीं मिल सकती, कोई भी sector में हम सफल नहीं बन सकते। If we are not focusing on the development of our teams, if we are not focusing the wholesome time in communication, यदि हम समग्र में समय को, यदि हम अपने टीम का उन्नति के लिए फोकस नहीं कर रहे हैं, तो हम सफल नहीं बन सकते। The third thing that I would like to tell to you is model the way. देखिए, चाहे आप माने, चाहे आपको ये पसंद हो या ना हो, लेकिन जिस टीम में आप काम करते हो, जिस टीम के आप लीडर हो, उस टीम के आप एक रोल मॉडल हो। लोग आपको सलमान खान के रूप में, आपको एक पॉल अपोस्टल्स के रूप में, आपको एक महान योद्धा के रूप में जानते हैं, वो आपको पूछते हैं, वो आपका सम्मान करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अपने महानता के स्तर में आपको रखते हैं, क्योंकि यू आर अ लीडर, क्योंकि आप एक लीडर हो। तो मॉडल द वे, अपनी टीम के लिए अपना रास्ता बना दो, अपनी टीम के लिए रास्ता तय कर दो, मॉडल द वे फॉर देम, गिव देम अ वे, इंस्पायर योर टीम। देखिए, जब तक हम अपने टीम को इंस्पायर करना नहीं सीखेंगे, देखिए, और इंस्पिरेशन कैसे आता है, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि मैंने वीडियो बनाया, मैंने कुछ प्रोग्राम किया, कुछ मोटिवेशनल ट्रेनिंग जो मैं करते रहता हूँ, मोटिवेशनल ट्रेनिंग में गया और मैंने कुछ बातें बोल दिया, वो इंस्पायर हो गए। नो, इट इज नेवर, आवर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन आवर वॉइस। हमारे काम जो है, हाम्रो काम जो छ नि, त्यो काम चाहिँ हाम्रो शब्दहरूभन्दा अझ धेरै चर्को स्वरमा कराउँछ प्रियो। यसै कारण यदि हामी चाहिँ सफल बनाउन चाहन्छौँ, सफल हुन चाहन्छौँ, एउटा लिडरको रूपमा आफूले आफूलाई पहिचान गराउन चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ अनि मैले थाहा गर्नुपर्छ कि हामी चाहिँ आफ्नो टिमलाई इन्सपायर गर्नको निम्ति, प्रेरणा दिनको निम्ति जन्मिएका मानिसहरू हौँ। यहाँ हामी इतिहास पढ्ने मान्छे होइनौँ, हामी इतिहास रचनालाई जन्मेका मान्छेहरू हौँ। इट इज इम्पोर्टेन्ट फर अस टू अन्डरस्ट्यान्ड दिस भेरी लिटल थिङ्स बट भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड द थिङ्स द्याट प्ले अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल, अ भाइटल रोल इन आवर लाइफ।
एंड द अदर थिंग इज चैलेंज द प्रोसेस. देखिए मैं हर बार कहते रहता हूँ कि कल का रिकॉर्ड आज तोड़िए. आप कितने भी अच्छे क्यों ना कर रहे हो, अपनी प्रोसेस को चैलेंज करते रहिए. अपने जितने भी प्रोसेस उन प्रोसेस को चैलेंज करते रहिए. चैलेंज योर प्रोसेस एवरी टाइम. हिजोको रेकर्ड आज तोड्नुहोस्. जब तपाईँले हिजोको रेकर्ड आज तोड्नुहुन्छ नि, तपाईँले भोलि अझै सुध्रिनुहुन्छ, तपाईँ अझै तयार हुनुहुन्छ. एउटा लडाइँमा जाने सिपाही सबभन्दा पहिला तयार हुन्छ. उसले हतियार बोक्छ, उसले बन्दुक बोक्छ, उसले बन्दुकमा गोलीहरू भर्छ अनि ऊ लडाइँमा जान्छ. यदि एउटा सिपाही कल्पना गर्नुहोस्, एउटा सिपाही जो लडाइँमा गएको छ तर उसँग हतियार छैन, ऊ तयार छैन, छातीमा गोली खानु बाहेक उसँग अर्को कुनै विकल्प हुँदैन. देयर विल बी नो अदर अप्सन, नो अदर अल्टरनेटिभ फर हिम rather than being killed. So it is important for us to be prepared. It is important for us to challenge our process. Break your record which you have made today. Break your record of yesterday. Break the record of yesterday. Kal ka record todiye. Kal jo aapne record banaya tha, us record ko aap todiye. Enable others to achieve. Dekhi, main shuru mein bol raha tha ki लीडर्स आजकल लीडर्स कैसे होते हैं कि लीडर्स खुद अपने बारे में सोचते हैं, खाली अपने बारे में सोचते हैं. कहाँ से दो पैसा मेरा आए, कहाँ से मेरा फ़ायदा हो, कहाँ से मुझे फ़ायदा मिलेगा, यही बातों को लेके लीडर सोचते रहते हैं. लेकिन यदि आप एक पक्का लीडर बनना चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू बी ए जेन्युइन लीडर, देन यू नीड टू एनेबल योर टीम टू अचीव. अपने टीम को एनेबल कर दीजिए अचीवमेंट के लिए, वो प्राप्त करने के लिए. आफ्नो टीमलाई जसले, आफ्नो को वर्कर्सहरूलाई, आफ्ना मानिसहरूलाई, तपाईँसँग काम गर्ने मान्छेहरूलाई जब तपाईँले एचिभमेन्ट गर्नलाई सहायता गर्नुहुन्छ, तब तपाईँ एउटा पक्का लिडर बनिन सक्नुहुन्छ. यदि तपाईँ पनि पक्का लिडर बनिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि जोडिनुहोस् हाम्रो भिडियोलाई, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्. र यदि तपाईँ हाम्रो भिडियोलाई नबिराइकन हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि हाम्रो भिडियोको नोटिफिकेसन जहिले पनि पाउनुहोस्. थ्याङ्क यू भेरी मच फर ट्युनिङ. थ्याङ्क यू.